यवतमाल जिले की दिग्रस नगर पालिका के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने श्रृंखलाबद्ध अनशन छेड़ दिया है। सोमवार को नगर पालिका के प्रांगण में पालिका प्रशासन की अड़ियल कार्य प्रणाली को आड़े हाथों लेते हुए पेंशन समय पर नहीं मिलने के साथ ही सातवां वेतन एरियस आदि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर इन कर्मचारियों ने इन BCN के समक्ष रोष व्यक्त किया है। स्क्रीन पर नजर आ रहे ये नगर पालिका के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिन्होंने सोमवार से श्रृंखलाबद्ध अनशन छेड़ते हुए स्थानीय पालिका प्रशासन से सेवानिवृत्त पेंशन सातवां वेतन आयोग की बकाया राशि का पहला और दूसरा हफ्ता मिलने सहित DA एरियस का भुगतान करने और विभिन्न मांगे पूरी करने में पालिका प्रशासन की हद से ज़्यादा जारी लेट लतीफी पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। ये समस्या है निधि में उसे हम 5% गवर्नमेंट पैसा भेजती है, ये टालाटाल करते हैं, पैसा देते नहीं। ये आज की समस्या नहीं, बहुत सालों से चालू है ये, और इस पर प्रशासन ख्याल करा नहीं। हाँ, तो अभी हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, हमारे सामने बहुत बीमारी है, बच्चों का खाना है, हमारा कैसा चलना। जो निधि आती है उससे पैसा हमको ये देती नहीं, टालाटाल बीमारी आते हैं, हमने क्या करना चाहिए। हाँ, सेवानिवृत्ती नंतर के जे लाभ असतात ते आजपर्यंत मिळाले नाही, काही मिळाले काही दिलं नाही, त्या काही एरियस आहे, सातवे वेतनचं एरियस आहे, आणखी नाही मिळालं नाही। उपदान अर्ध उपदान दिलं, अर्ध दिलंच नाही, वेळेवर पगार होत नाही, वेळेवर पगार नाही, आणि रजा रोगी करत नाही, पुन्हा आणखी ते नाही मिळालं आणखी। मालूम हो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की यह समस्या कोई आजकल की समस्या नहीं है, इससे पहले भी कई बार मुख्याधिकारी को इस समस्याओं से अवगत कराया गया था लेकिन कोई हल नहीं निकला। इन दिनों नगर पालिका का काम प्रभारी प्रशासक के जिम्मे है और आज भी इन कर्मचारियों की समस्या का सही से अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। हमें जो सेवा नगर पालिका की जो सदस्य दिल्ली ले आए उनमें प्रकार जो हमारा गुनेगार जो नोटिस मिला हमें परिपूर्ण काम के लिए नंतर रिटायर झालो, त्या रिटायर नंतर आम्हाला आमचा त्याचा परिपूर्ण कोणताच पैसा मिळाला नाही, मिळाला ते चोरून चोरून दिलेला आहे। आजही आमचे प्रशासक जागेवर नाही, दारव्याचे शिवसाहेब तिकडे काम पाहतात, ते अपूर्णतेवर राहतात, त्यामुळे आमची लई अडचण होत आहे। तशी गावाचे जे कार्य आहे ते कार्यामध्ये अडथळे निर्माण व्हावं लागले, तरी आम्हाला शासनाने आणि शासनकर्त्याने आमचं ध्यान द्यावं आणि कर्मचाऱ्यांनी जे सेवेचा पैसा आहे मोबदला आहे ते परिपूर्ण मिळायला पाहिजे, रजिनासुद्धा पैसा मिळायला पाहिजे। नगर पालिका के प्रांगण में जारी इस अनशन में सेवानिवृत्त कर्मचारी राम प्रसाद मरसकोल्ले, अब्दुल रहमान, अयुब बालापुरे, शेख हनीफ, शेख इफ्तिकार, शेख ख्वाजा शेख हुसैन, हबीब खान, राजे खान शामिल हैं। मालूम हो कि बीते कुछ सालों से नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली विवादों में है। बिगड़ल कार्यप्रणाली की बदौलत ही आज इन सेवानिवृत्त और उम्रदराज कर्मचारियों को अपने हक के लिए अनशन छेड़कर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।